हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज मेरे साथ है मनीष। हेलो दोस्तों। तो आज एक मैजिक होने वाला है। मैजिक एक रिक्वेस्ट मैजिक है, मतलब आप लोगों ने एक विश किया था वो मैजिक होने वाला है आज। आज मैजिक होगा स्कूल के सामान के साथ, मतलब स्कूल में जो जो चीज आप लोग लेके जाते हो उसके साथ होगा एक मैजिक। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हो या फिर कॉलेज में पढ़ते हो तो ये मैजिक है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर बहुत सारा पेपर है। ये बहुत सारा पेपर है। तो इसमें हर पेपर में कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो कुछ भी लिखा है वो सब लिंक है स्कूल के सामान के साथ, मतलब जो हम लोग स्कूल में कैरी करते हैं, हमारे बैग में रहता है या फिर हमारे पेंसिल बॉक्स में रहता है। तो एक्चुअली मैजिक जोन के फैमिली में एक फैमिली मेम्बर ने विश किया था कि भाई एक ऐसा मैजिक लेके आओ जो हम लोग स्कूल में दिखा सके। तो मैंने बहुत सोचा, सोच के ये मैजिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप में से जो जो फ्रेंड्स या फिर फैमिली जो आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आप लोग ये मैजिक दिखा सकते हो। तो इन सब पेपर में कुछ अलग लिखा हुआ है और इधर एक पेंसिल बॉक्स है जिसके अंदर, ये पेंसिल बॉक्स अभी फिलहाल बंद है, इसके अंदर एक प्रेडिक्शन किया हुआ है। मतलब मेरे दिमाग में कुछ था जिसको मैंने इसके अंदर बंद करके रखा है। तो अभी मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, तो पहले मैं मनीष को बोलूंगा, मनीष कोई भी एक पेपर जो तुम्हारे दिल में आए, कोई भी एक पेपर उठा के इधर रख दो, कोई भी एक पेपर। दोस्तों मनीष को कुछ भी सीखा नहीं हुआ है, वो एकदम दिल से कर रहा है जो। तो तुमने ये पेपर चूज किया है तो इसको हम लोग रख देते हैं इधर। अब इस बॉक्स को हम लोग रखते हैं इसके ऊपर। दोस्तों मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि सारे कागज में कुछ ना कुछ लिखा था। सीजर आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीजर लिखा हुआ है, इसमें शार्पनर, ऐसे ही हर कुछ पेपर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इसमें पेन। तो लेकिन इसमें से एक ही पेपर मनीष ने चूज किया है, तो मैं इस सारे पेपर को अभी फिलहाल इधर से हटा दूंगा क्योंकि टेबल में सिर्फ एक ही पेपर रहेगा, वो है जो मनीष ने चूज किया हुआ है वो। तो दोस्तों ये है ये। अब हम लोग खोलेंगे इसको, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसको खोलने के बाद इसमें दिखाई देता है कि इसमें लिखा हुआ है पेंसिल। आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है पेंसिल। तो अब मैं इस बॉक्स को खोलूंगा, देखते हैं मेरा प्रिडिक्शन मैच होता है कि नहीं। दोस्तों मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको ऐसे खोलूंगा और आप लोग देख पाओगे कि इसके अंदर सच में एक पेंसिल है। दोस्तों ये था इस ऑसम मैजिक का स्वीट रिवील। तो आप लोग ऐसे ये मैजिक दिखा के लोगों को एकदम हैरान कर सकते हो, अपने स्कूल के सैर को हैरान कर सकते हो, टीचर्स डे पे दिखा सकते हो, कोई भी जगह पे आप ये मैजिक दिखा सकते हो जहां आप स्कूल के सामान को ले जाओ। तो चलिए दोस्तों लेट ना करके अभी जानते कैसे मैंने ये मैजिक किया। दोस्तों इसका थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के देखना पड़ेगा। तो इधर एक सिंपल सा ही बॉक्स है जो आप सबके पास होता है, आप उसमें कोई भी एक सामान रख सकते हैं। आप जो सामान रखेंगे उसका एक, उसमें उस सामान को लिखने वाला एक पेपर आप रखिए, मतलब जिसका जो सामान रखा हुआ है। ऐसे पेंसिल, मैंने एक पेंसिल लिखा हुआ सामान कागज मेरे साथ रखा हुआ है, ये मेरे साथ रहेगा और इसको मैं रखूंगा बॉक्स के नीचे। अब इधर में जो कागज है इसमें कहीं भी पेंसिल लिखा नहीं है, पेंसिल के अलावा और सब कुछ इधर लिखा हुआ है। तो अब ऑडियंस, ऑडियंस मानिए कि कोई भी एक रैंडम सा पेपर चूज करता है स्केल, लेकिन वो नहीं जानते कि उसने क्या चूज किया है, वो सिर्फ पेपर को रख देते। तो जब हम लोग पेपर को इधर रखेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा चालाकी है पेंसिल बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स के नीचे है बोथ साइड टेप, आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसा मिलता है, ये आपको स्टेशनरी दुकान में मिल जाएगा डबल साइडेड टेप। तो अब ये है मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने अलग से रखा है, इसमें पेंसिल लिखा हुआ है दोस्तों। तो लोगों का, लोग ने ये चूज किया है, तो मैं इसके ऊपर रख दूंगा ये पेंसिल बॉक्स, ठीक है, और इसको थोड़ा प्रेशर दे दूंगा। अब आप लोग चाहे तो लोगों को दिखा सकते हैं, देखो दोस्तों इसमें सच में ही अलग अलग चीजें लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक भी मैच नहीं खाएगा दोस्तों, इसमें एक भी पेंसिल लिखा हुआ नहीं चाहिए, सब में कुछ अलग अलग होना चाहिए। तो अब हो जाएगा इसका पार्ट, तो बोलोगे कि ये सब साइड में चला गया, लेकिन तुमने जो चूज किया है वो है ये।
लोगो एक्चुअली उसने जो चूज किया था वो पेंसिल बॉक्स के अंदर चिपक गया है, और जो पेंसिल बॉक्स के नीचे हम लोग ने रखा था वो अब लोगों के सामने आएगा, तो ये लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, लोग सोचेंगे कि यही वो पेपर है। एकदम कैजुअली दिखाइए, अब लोगों को ही बोलिए कि आप खोलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है पेंसिल, और फिर आप इसको खोल के दिखाइए कि इसके अंदर भी है एक पेंसिल। दोस्तों ये मैजिक आप पेंसिल क्या, और भी कुछ बड़ा सामान, कॉम्पस या फिर पेन, एक बड़ा पेन रख के भी ये कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा सीक्रेट, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगे इसीलिए मैं ऐसे ऐसे मैजिक लाता रहता हूँ। तो अगर आप नए हो मैजिक जोन में, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो ऐसे अच्छे अच्छे मैजिक के लिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ। तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और मैजिक सीखते रहिए।